जाकिर नायक को फीफा विश्व कप में बुलाए जाने पर हुए बवाल के बाद अब कतर ने यू टर्न ले लिया है। कतर ने भारत को राजनयिक चैनल के माध्यम से बताया कि जाकिर नायक को 20 नवंबर को हुई ओपनिंग सेरेमनी में नहीं बुलाया गया था। कतर ने सफाई दी है कि दोनों देशों के रिश्ते खराब करने के लिए किसी तीसरे देश ने यह गलत खबर फैलाई है। बता दें, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का उद्घाटन बीते 20 नवंबर को किया गया था, जिसमें कट्टरपंथी जाकिर नायक को देखा गया था। बता दें कि ऐसा दावा किया गया है कि कतर ने औपचारिक रूप से जाकिर नायक को शुभारंभ समारोह में बुलाया गया था, जिसके बाद भारत ने कतर को तलब करते हुए कहा कि अगर कतर ने जानबूझकर जाकिर नायक को निमंत्रण दिया था तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी यात्रा को रद्द करने पर मजबूर हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 20 नवंबर को फीफा की ओपनिंग सेरेमनी में भाग लिया था। भारत ने जाकिर नायक को 2017 में भगोड़ा घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया था। जाकिर पर गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है, जिसके बाद से भारतीय जांच एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। नायक इन दिनों मलेशिया में शरण लिए हुए हैं। जाकिर नायक को कनाडा और ब्रिटेन की सरकारों ने भी अपने देशों में प्रवेश पर पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।